वेलकम टू कैंपस स्टूडियो। कैंपस स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप चंद्रा। आज हमारे साथ आरजे वसुधा जुड़ चुकी हैं, तो आज उनसे जानना चाहेंगे उनका क्या रहा जर्नी उनके बारे में। वसुधा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू कैंपस स्टूडियो। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी। एंड थोड़ा बता देती हूँ अपने बारे में। सो जनरली जो आज आप इंटरव्यू मेरे साथ करते हैं, मैं स्टूडियो में बुला के लोगों का इंटरव्यू लेती हूँ, सो फील्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो मैं ड्रामा क्वीन के नाम से, बहुत सारे लोग यहाँ पे मेरे को जानते हैं, ड्रामा क्वीन शो होस्ट करती हूँ। 11 से 2 का शो मेरा रहता है, मंडे टू सैटरडे। इट्स अ मिड मॉर्निंग शो विच हैज़ अ लॉट ऑफ बॉलीवुड गॉसिप्स। देन इफ समथिंग रिलेटेड टू सिटी सेंट्रिक, देन वी टेक इट ऑन आर शो। एंड देन देयर इज अ होल टीम, जैसे कि आप ये स्टूडियो देख रहे हो, आपके पास ये वाला माइक है, हमारे पास ये वाला माइक होता है और ये हेडफोन होता है। जो भी कॉल्स आती हैं इसको लगा के हम लोग, यहाँ पे माइक है, माइक के थ्रू पूरा जम्मू जो है आज इसको सुनता है। तो ये हमारा एक स्टूडियो होता है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं और बाहर लोगों तक सारे मैसेजेस जाते हैं। सो या ग्रेट। एंड सबसे पहले, क्योंकि आपकी जर्नी हमने बतानी है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने भी यहाँ यूथ हैं तो वो आपको कम से कम इंस्पायर करके आपके करियर प्रोस्पेक्ट पे चले। सो यू वांट मी टू टॉक अबाउट दैट? यस यस यस। कहाँ से शुरुआत की? हाँ जी, तो मैंने बेसिकली अपना बैचलर्स जो है वो मैंने किया है चितकारा यूनिवर्सिटी पंजाब से। आई एम अ बैचलर स्टूडेंट, बेसिकली आई हैव डन माय बैचलर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। सो मेरा बैकग्राउंड ही मीडिया से रहा है। और इसमें पढ़ने के बाद, जैसे 3 साल का कोर्स डिग्री होती है ये, तो थर्ड ईयर में हर स्टूडेंट सोचता है कि अब लाइफ में आगे क्या करना है, प्रोफेशनल फील्ड के लिए हम जा रहे हैं, प्रोफेशनली हमको क्या करियर लेना चाहिए। सो वही कन्फ्यूजिंग स्टेट जो होता है, कन्फ्यूज सा रहता है माइंड किसी भी स्टूडेंट का उस टाइम पे, मेरा भी था कि व्हाट शुड आई डू। बट एक इंटर्नशिप का प्रोसेस रहता है, लाइक आपको इंटर्नशिप करनी है तब आपको डिग्री मिलेगी। सो इंटर्नशिप के लिए मैं मुंबई गई थी। आई वॉज वर्किंग विद इट वॉज अ पैन इंडिया कंपनी। आई वॉज वर्किंग देयर एज आई वॉज इंटर्निंग देयर बेसिकली फॉर 3-4 मंथ्स। एंड देन आई वॉज डिसाइडिंग स्टिल कि मुझे क्या आगे करना है। और लकीली आई गॉट टू नो कि यहाँ पे रेडियो स्टेशन खुल रहा है, सो रेड एफ एम यहाँ पे खुलने वाला था। And somebody who belongs to the radio fraternity, that person told me, send me your voice samples or recordings, bhejo, main aage kisi ko send karunga. And you can see for yourself, you know, just give it a try. तो फिर ये सैम्पल आगे गया और रेड एफएम को पसंद आ गया। इंटरव्यू हुआ था स्काइप के थ्रू, इंटरव्यू हुआ था, मुझे आज भी याद है। सो आई कुड नॉट गो टू दिल्ली फॉर द इंटरव्यू, सो इट हैपेंड ऑन स्काइप। एंड इन 3 डेज आई थिंक 3 or 4 डेज में इट वाज ऑल फाइनलाइज्ड एंड आई रिसीव माय ऑफर लेटर उसके बाद। तो अभी आई हैव कंप्लीटेड 2 ईयर्स इन टू दिस इंडस्ट्री एंड क्वाइट हैप्पी, एक्साइटिंग जॉब। एंड या इट फील्स ग्रेट टू कनेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल थ्रू दिस माइक and through my show also. So, अगर रेडियो में अपना करियर बनाना है, तो उसके लिए क्या आप एडवाइस करती हैं हमारे यूथ को? So, रेडियो की अगर मैं बात करूं, शायद आज भी लोगों को रेडियो जॉकी का काम उतना समझ में नहीं आता है। लोग हमको सुनते बहुत कम टाइम के लिए, क्योंकि हम इंटरवल्स में बोलते हैं, बीच में एड्स होती हैं, बीच में गाने होते हैं, तो लोगों को लगता है रेडियो जॉकी का जॉब बहुत आसान है। लेकिन नहीं, जो आपको बोलना है उसकी तैयारी आप पहले करते हैं। और अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं, अगर आपको बात करने का शौक है, बहुत ही अच्छी बात है, ये फील्ड आपके लिए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपना जो आप फील करते हो उसको आप कैसे इतने अच्छे से बोल सकते हो कि लोग उसके साथ कनेक्ट कर पाएं। सो इट्स अ मीडियम जिसमें आप एक्सप्रेस करते हो। जो मीडियम है बहुत ही ज़्यादा लोकल है, इसमें आपके पैसे नहीं लगते हैं। अगर आपके फ़ोन में रेडियो है, आप उसी वक्त जो है हमारी फ्रीक्वेंसी पर जाएंगे 91.9, तो आप सुन सकते हैं आज इसको, जिस भी आज का उस टाइम पर शो होगा। सो इट्स अ फ्री मीडियम एंड वेरी वेरी मच इट्स क्वाइट लोकल, बेसिकली द रीच इज़ वेरी लोकल। तो एक बहुत अच्छी बात ये भी है इसकी। और अब रेडियो ऑप्शंस हमारे खुद के जम्मू में आ गए, पहले उतने एफएम्स नहीं थे। प्राइवेट एफएम्स की बात करूँ जम्मू में है, तो अगर आप प्लान करते हैं रेडियो में आने के लिए, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप अपनी पर्सनालिटी को समझिए और किसी को कॉपी मत कीजिए, मैं हमेशा ये कहूँगी। दो मेरी बहुत इंस्पिरेशन रह चुकी है रेडियो में, दे आर वेरी गुड गुड आरजेज जिनको मैं सुनती थी। तो क्या होता है कि अब क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में हूँ, तो अभी मैं याद करती हूँ कि जब मैं आरजे नहीं थी और एक जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है, गाड़ी में बैठा है, आरजे को सुन रहा है, तो एक क्यूरियोसिटी होती है कि आरजे कैसे बात करते हैं। तो अब ये जैसे अभी हम भी बात कर रहे थे, इससे पहले आप पूछ रहे थे आरजे इंडस्ट्री कैसे काम करती है। सो यही है कि आप अगर एक्सप्रेसिव हो और अगर आपके पास बात है, सही बात है कहने के लिए, और आपको लगता है कि सामने वाला इससे ज़रूर कुछ सीखेगा, आपको उस चीज़ को एक्सप्रेस करना आता है, तो फिर ये मीडियम आपके लिए है। यस मैम, ये जो रेडियो जॉकी का अगर हम करियर की बात करें, तो कौन कौन से कोर्सेज उनको करने चाहिए, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी?
एक्चुअली मैंने इसके लिए टू बी ऑनेस्ट मैंने कोई कोर्स नहीं किया था. आरजे हंट्स होते हैं. अभी आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो कुछ कंपनीज होंगी जो आरजे हंट्स करती होंगी. बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं इसके लिए कोई डिग्री चाहिए, मीडिया की डिग्री है तो शायद आपके लिए थोड़ा बहुत आसान हो जाता है क्योंकि मीडिया में रेडियो भी एक सब्जेक्ट होता है. मैंने रेडियो पढ़ा था बट कभी सोचा नहीं था कि रेडियो करूँगी या रेडियो जॉकी बनूंगी. तो ऐसा होता है कि आपको रेडियो भी पढ़ाया जाता है तो थोड़ा बहुत आपको टेक्निकल नॉलेज मिल जाती है. आपको एक थोड़ा एक्सपीरियंस मिल जाता है व्हेन यू आर फ्रॉम अ मीडिया बैकग्राउंड. बट ऐसे भी लोग हैं जो मीडिया बैकग्राउंड से नहीं है लेकिन उनमें टैलेंट बहुत है और अच्छे से बोलते हैं. तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे, अपनी वोकैबुलरी पे एंड स्पेशली क्या चल रहा है लेटेस्ट, जो भी आपका शो है, अगर आपका मॉर्निंग शो है तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आपके पास होनी चाहिए. अगर आप एक मिड मॉर्निंग टाइम बैंड को होस्ट करते हैं जैसे मैं करती हूँ, तो मेरे शो पे ज़्यादा फन और एंटरटेनमेंट की, टीवी की गॉसिप ज़्यादा रहती हैं, यूथ सेंट्रिक कुछ हो गया तो मैं उसके बारे में बात करती हूँ, तो वो मेरा डोमेन है तो मुझे उसकी नॉलेज होनी चाहिए. अगर मैं बॉलीवुड की बात कर रही हूँ तो वही चीज़ है, करंट अफेयर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. बट रेडियो हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अदर मीडियम्स, येस आई कैन लाइक टेल यू, आई कैन टेल यू व्यूअर्स अबाउट इट. सो रेडियो बहुत लोकल है. अगर कोई लोकल चीज़ आपके खुद के जम्मू में हो रही है और उसको आप लोगों तक लेकर आ रहे हो, जैसे आपका भी काम है क्या लोकल चल रहा है जम्मू में, क्या चल रहा है आप लोगों को बताते हैं, वैसे जो रेडियो की जो हमारी लिसनरशिप है, जो हमारे लिसनर्स हैं, हमारी कोशिश रहती है कि मज़े मज़े में उनको काम की बात भी बता दें. सो दैट इज़ रेडियो. मैम रेडियो में और कौन कौन से करियर है एक्सेप्ट रेडियो जॉकी? रेडियो बेसिकली, रेडियो में रेडियो जॉकी के अलावा बहुत सारी पोस्ट है. अगर आपको म्यूजिक की नॉलेज है तो म्यूजिक मैनेजर है हमारे यहाँ पे जो सारे सॉन्ग्स लगाते हैं. सो हमारे गाने बेसिकली हम सुपर हिट सॉन्ग्स पे करते हैं, आज के जमाने के गाने. ठीक है. तो कौन से आर में जो है गाना लगाना है वो सब वो डिसाइड करते हैं. तो दो टीम्स होती हैं, सेल्स होती हैं जो रेवेन्यू जनरेट करती हैं, देन देयर इज अ प्रोग्रामिंग टीम जिसमें रेडियो जॉकीज आते हैं और आपके प्रोड्यूसर आते हैं. आरजे के पीछे प्रोड्यूसर का बहुत बड़ा हाथ होता है कि आरजे को कल क्या बात करनी है, शाहरुख खान के बारे में बात करनी है, अमिताभ बच्चन के बारे में बात करनी है, मोदी जी के बारे में बात करनी है, तो क्या बात करनी है हमको. तो पूरी टीम बैठती है, डिसाइड होता है सब और उसके बाद नेक्स्ट डे की तैयारी एक दिन पहले होती है. सो दो टीम्स हैं, प्रोग्रामिंग है, आरजे है. और रेडियो में ऑप्शंस आपके पास ये भी हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग, इफ़ यू आर अ गुड राइटर, यू राइट वेल, तो आपके पास आप स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हो, एड्स लिख सकते हो. हाँ जी हाँ जी. आरजे का कंटेंट कोई नहीं लिखता, वो हम खुद बोलते हैं. यस. सो इट्स ऑल स्पॉन्टेनियस. आपने कोई न्यूज़ पढ़ी है और या आपको कहीं से कुछ पता लगाया तो आप क्या करते हो, आपको पता लग गया, अब आगे आप उसको कैसे किस तरीके से बोलेंगे कि लोग उसके साथ कनेक्ट करें, ये हमारा काम होता है आरजे का. बाकी प्रोड्यूसर लाइनअप करते हैं. मेरे को किसी का इंटरव्यू लेना है तो शायद प्रोड्यूसर विल सिट विद मी, हम लोग डिस्कस करेंगे इफ़ द प्रोड्यूसर इज़ अवेलेबल दैट टाइम पे. तो एक हमारे जैसे जम्मू जो है, इट्स अ स्मॉल स्टेशन, वी आर अ स्मॉल फैमिली, सो वी हैव वन प्रोड्यूसर हेयर जो सबको असिस्ट करते हैं मॉर्निंग से लेकर शाम तक के जितने भी शोज होते हैं, उनका बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें रहता है. तो आज इसके साथ बैठते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है कि क्या क्या और बात कर सकते हैं. इंटरव्यूज़ लाइनअप कराना वो प्रोड्यूसर का भी काम होता है. तो इट्स अ टीम बेसिकली. एक आरजे जो है वो अकेला रेडियो नहीं चलाता है, उसमें सबका कंट्रीब्यूशन इक्वल रहता है. मैम इसमें डिजिटल मार्केटिंग का भी कोई रोल रहता है? डिजिटल मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का बेसिकली, डिजिटल की जो आपने बात की है, डिजिटल इज द ऑन गोइंग थिंग, लाइक दिस इज एक ऐसी चीज है. तो डिजिटल में मैं आरजे के पर्सपेक्टिव से आपको बता सकती हूँ ज्यादा, क्योंकि अब क्या हो गया कि फेसबुक लाइव का ऑप्शन आ गया. बिल्कुल. तो आरजे जो यहाँ पे बोलता है, मैं बोलते बोलते भी एक फेसबुक लाइव कर सकती हूँ. तो मेरा स्टूडियो भी लोगों को दिखेगा, मैं कैसे बोल रही हूँ वो भी दिखेगा. तो अब डिजिटल मीडियम जो है, रेडियो डिजिटल भी आ गया है. पॉडकास्ट का ऑप्शन है आपके पास. वी हैव पॉडकास्टर्स, आरजेस जो है वो अपने शो को पॉडकास्ट कर रहे हैं, लाइक पॉडकास्ट पे आ गए हैं. उसके बाद आपके जो फेसबुक पेजेस हैं उसके थ्रू लोग आपके साथ कनेक्टिंग होते हैं. तो स्कोप है, डिजिटल का भी है. रेडियो इज नाउ, इट्स ऑल्सो ऑन डिजिटल मीडियम ऑल्सो, इट्स लाइक द प्लेटफॉर्म पे आ गए हम, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो पहले नहीं था. तो यानी रेडियो से जुड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है. बहुत सारे ऑप्शन है जी. ऐप है हमारी खुद की, रेडएफएम इंडिया की ऐप है. तो कोई भी चीज के साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं, आज इसके शो आपने मिस कर दिया, वहां पे जाके ले सकते हो, उसको सुन सकते हो. मतलब यू कैन जस्ट गो ऑन द ऐप, आज का नेम टाइप करोगे तो मिल जाएगा आपको. सो डिजिटल मीडियम पे भी है, आरजे भी है. तो मैम जो हमारे व्यूअर्स हैं, स्पेशली यूथ, मैम उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? यूथ के लिए अगर बात करूं या जनरली? नहीं, यूथ के लिए स्पेशली. यूथ के लिए, ओके. सो यूथ के लिए अगर मेरे को कोई मैसेज देना हो, मेरे से पहले भी जितने भी लोगों ने पूछा है कि क्या मैसेज रहेगा यूथ के लिए, मेरा यूथ के लिए यही मैसेज रहेगा. आई नो यूथ, जब यू नो व्हेन आई नेवर न्यू कि व्हाट आई वांटेड टू डू इन माय लाइफ. सो रेडियो इट जस्ट केम
ऑन इट्स ओन वो मेरे रास्ते में आ गया, मैंने ट्राई किया एंड बहुत आई मीन सीरियसली आई हैव अ लॉट ऑफ यू नो ग्रैटिट्यूड फॉर व्हाट आई डू. तो आप अपने करियर डिसीजन को लेने से पहले उसके बारे में ज़रूर पढ़ें, जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च कीजिए और पेरेंट्स के साथ बैठिए. और पेरेंट्स के लिए भी मैसेज है, प्लीज़ अपने बच्चों पे आप पूरा का पूरा इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि वो अगर आप उनको पैसे दे रहे हो पढ़ने के लिए, ठीक है आपका काम है, आपने उनको पढ़ाई के लिए पैसे दिए और आगे आप उनको कहते हो बेटा जो करियर में करना है करना है कर लो, लेकिन प्लीज़ आप उनको सपोर्ट भी कीजिए. अगर आपका बच्चा आउट ऑफ द वे जाके कोई करियर चॉइस को लेता है, कुछ भी करियर सेलेक्ट करता है, सो ये मत सोचो कि इसका कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि बच्चे जो है दे आर वेरी वेल अवेयर आज के टाइम में, उनके पास बहुत सारे मीडियम्स हैं, वो अपने आप को एजुकेट सिर्फ स्कूल जाके नहीं करते, उनके पास ऑनलाइन मीडियम भी है. तो इतना एक्सपोजर मिलने के बाद एक बच्चे को पता है कि उसके लिए क्या बेस्ट आगे रहेगा. तो प्लीज़ आप उनको सपोर्ट कीजिए, पेरेंट्स के लिए मैसेज है और यूथ के लिए यही मैसेज है, जो भी आपकी कॉलिंग है उसको फॉलो करो. इफ़ यू फील दैट यू कैन एक्सेल इन से ए एक्स वाई जी एनी करियर, सो प्लीज़ गो फॉर इट एंड पूरा रिसर्च करके जाओ. थैंक यू सो मच आरजे वसुधा जी हमसे जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच. प्लेजर. थैंक यू.